आजकल इंटरनेट पर फेक बाबाओं का या यूं कह लीजिए कि सो कॉल्ड धर्म रक्षक का प्रकोप कैंसर की तरह बढ़ता ही जा रहा है, जो खुद को साक्षात ईश्वर का अवतार बताते हैं, जो अपने आप को साइंस से बढ़कर मानते हैं। मैं कुछ सवाल डाल दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। बहुत सारे सवाल मेरे पास है जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूं उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूं। जिनके नॉलेज को देखकर एक बार के लिए आप भी दंग रह जाओगे। कितने राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। 5 धर्म के नाम पे खुद ही थ्योरी बनाने लगते हैं। वो कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। लिखा उद्यता युद्ध दौर धंडई राधा वंतु भटान मृति राधा वंतु, लिखा स्पष्ट लिखा जी। ऐसा है नाश मत करिए, आधा बनता है, आधा बनता है दौड़ते हुए, यह संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं ये गलत बात। जो खुद को डॉक्टर से बढ़कर मानते हैं। क्या समस्या है? माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम है, एक साइड पूरी दर्द करती है, कान भी बहुत दर्द है। आपके हो रही है अभी? हाँ हो रही है। सामने आ जाओ। माइक में बोलिए। नाम बगला मुखी मैया की मातेश्वरी। कहाँ दर्द है बताओ? मित्र मुंह करो, बोलो बेटा। बगला मुखी मैया की जय। बगला मुखी मैया की जय। चेक करो। खत्म? जोर से बोलो। हाँ खत्म हो गया। ठीक है, मत जाओ। आज इस वीडियो में इन्हीं चमत्कारी बाबा को एक्सपोज करेंगे कि कैसे धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे लोगों के भावनाओं के साथ खेलते हैं, कैसे लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको अपने वश में करते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी भी धर्म संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी लोग काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है, ये सच्ची घटना पे आधारित है, जिसका उद्देश्य समाज को केवल गुड मैसेज पहुंचाने का काम करती है। इस वीडियो को दिल पे ना ले, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। कोशिश करें कि कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखें। गंदगी यूट्यूब को भी पसंद नहीं। वीडियो लंबी और मजेदार होने वाली है, इसीलिए कान में ईयरफोन लगा लें एंड वॉच टिल द एंड। धर्म सिर्फ 2.5 अक्षर का शब्द नहीं, पूरी मानवता है। ये सदियों से चले आने वाली आस्था या परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का मूल तत्व है। धर्म वह शक्ति है जो हमारे जीवन को सही मार्ग पर ले जाती है। धर्म हमें सिखाता है कि सत्य, अहिंसा और प्रेम ही सच्ची सफलता का मार्ग है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे धर्म और आस्था ने सदियों से लोगों को जोड़ा है, लेकिन आज के समय इस आस्था को लोगों के द्वारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यूट्यूब, इंस्टा जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे लोग दिख जाएंगे जो धर्म के नाम पे व्यूज और लाइक्स ले रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में जय श्री राम लिखेंगे और वीडियो में माँ बहन की गाली देंगे, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, और यही लोग अपने आप को धर्म रक्षक बताते हैं। भला धर्म को खतरा कब से होने लगा बताना जरा, जो इन तुच्छ प्राणियों की जरूरत होने लगी धर्म को बचाने के लिए। धर्म को कभी खतरा था ही नहीं, अगर होता तो महाराणा प्रताप के सेनापति मुसलमान और अकबर के सेनापति हिंदू ना होते। आपने रील्स पर इस लड़की को कभी न कभी जरूर देखा होगा, ये अपने माथे पे तिलक लगा के वीडियोस बनाती है। कुछ वीडियोस ऐसी भी होती हैं जो इन्हें ये तिलक लगा के नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इस वजह से सो कॉल्ड धर्म रक्षक उनको ट्विटर स्पेस में हेट मैसेजेस भेजने को बोले, जिनकी वजह से उन्हें थ्रेट्स मिलने लगे, उनको माँ बहन की गाली सुनने को मिले। तो आप तो वैसे भी धर्म को फॉलो नहीं कर रहे। भला कौन से धर्म में लिखा गया है कि जो धर्म को फॉलो नहीं करता उसको माँ बहन की गाली दो? भला हम भी तो जाने कि कौन से धर्म में नारी को अपमान करना सिखाया गया है। ये वही लोग हैं जो खुद हिंदू हो के हिंदू को गाली देने लगते हैं। इन्हें बस ये दिख रहा है अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद भी बीजेपी वहाँ कैसे हार गई। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि उस मंदिर को बनाने के लिए लाखों लोगों के घर तोड़े गए, हजारों लोग रोड पे आ गए, उनके सर से छत छीना गया। कौन से भगवान चाहेंगे कि मेरे लिए 100 एकड़ में मंदिर बनाओ और मेरे बनाए हुए इंसान का घर ही तोड़ दो? अगर थोड़ा सा भी दिमाग हो और आप अंधभक्ति से बचना चाहो तो एक बार इस पर जरूर सोचिएगा। इन्हीं अंधभक्ति से बढ़ती है अंधविश्वास। ये नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। हॉस्पिटल ये क्या होता है? आओ बाबा के दरबार में एक मंत्र फूकेंगे, सारी के सारी बीमारी खत्म। माँ बीमार है 3 साल से, दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। छाती में ठंड से परेशान रहता। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, साथ उठाओ, गले में दे और ऊपर करो, सर इसे कर लो, लगाओ मैं पूछ लो। अब ठीक है सर। है ठीक, मत देखो, जाओ आगे लगाओ। आपके दोनों आंखों में मोतिया बिंद है, ठीक है, आंखें बंद करो, बंद रखना आंखें। माइक लगाओ, बगला मुखी मैया की जय बोलवाओ, बंद करके। बगला मुखी मैया की जय। दोबारा बोलो, बगला मुखी मैया की जय। खोलो आंखें, देखो चारों तरफ, बोलो माइक पे। बगला मुखी मैया की क्या हुआ? मेरी दोनों आंखें ठीक हो गई सर। बोलो बगला मुखी मैया की जय। डॉक्टर तो बेवकूफ है जो 10-15 साल मेहनत करके डॉक्टर बनते हैं। बेवकूफ ये डॉक्टर नहीं आप लोग हो, जो इन पाखंडियों बाबा को सुनते हो, जो इनको सपोर्ट करते हो। लाखों लोग इन पाखंडियों बाबा के सत्संग में पाखंड देखने के लिए जाते हैं, वो भी पैसे देके। ये वही बाबा हैं जो कोरोना के भयंकर काल में, जहां हर रोज हजारों लोग मर रहे थे, वहां ये क्या कर रहे थे? करोना गो, करोना गो, करोना गो, करोना गो, गो
अगर आज डॉक्टर नहीं होते तो शायद आधी दुनिया खत्म हो चुकी होती। ये पाखंड सरकार और उनको सपोर्ट करने वाले ये पाखंडी बाबा दोनों का कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं पाखंडियों की वजह से आज हथरस में 120 से भी ज्यादा लोग मारे गए। 2 जुलाई दोपहर करीब 1 बजे सूरज पाल उर्फ नारायण सकार हरी उत्तर प्रदेश के हथरस जिले में सत्संग करा रहे थे, जहां पर लाखों लोग की भीड़ आई हुई थी। जब बाबा जाने लगे तो बाबा के चरण के धूल को छूने के लिए वहां भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 120 से भी ज्यादा लोग कुचल जाने से मारे गए। इसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। वो लोग जो अपने जीवन को सवारने आए थे, उन्हें क्या पता था उनके जीवन ही ले लेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये कौन से चमत्कारी बाबा हैं जिनके लिए लाखों लोग सत्संग में शामिल होने के लिए आते हैं। नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरज पाल है। इसका जन्म बहादुर नगर कसगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1997 से पहले सूरज पाल पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था। उसी दौरान इस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो जाता है और सूरज पाल को जेल जाना पड़ता है। जेल से बाहर निकलने के बाद अपना नाम बदलकर सूरज पाल से साकार विश्व हरि बाबा रख लिया, जो अभी भोले बाबा के नाम से फेमस है। एक ही नहीं, सूरज पाल पे 5 डिफरेंट केस रजिस्टर है। भोले बाबा पर जमीन कब्जाने के भी कई आरोप लगे हैं। भोले बाबा के सत्संग में जो भी भक्त जाता है उसे वहाँ पानी बांटा जाता है। बाबा के अनुयायी ऐसा मानते हैं कि इस पानी को पीने से समस्याएं खत्म हो जाती हैं। वो ये कहता था कि उसके पास वो असीम शक्तियां हैं जो कि किसी भगवान के पास होती हैं। यानी वो ये मानता था कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। अपने आप को भगवान कहता था, पर रक्षा में कमांडो तैनात करता था और कमांडो भी महिला कमांडो। वो कमांडो वाली महिलाएं स्मार्ट होती हैं, ट्रेंड होती हैं, खूबसूरत होती हैं, उनको चुना जाता है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। खास बात यह है कि महिला कमांडो में कम उम्र की लड़कियों को शामिल किया जाता है, जो ज्यादातर 20 से 25 साल तक की ही होती है। बाबा बनते हैं वासना से दूर रहने के लिए, न कि वासना के साथ रहने के लिए। यही नहीं, सूरज पाल खुद को साक्षात भोले बाबा का अवतार बताते हैं और वीडियो एडिटिंग का इस्तेमाल करके अपने हाथों में चक्र नचवाते हैं और बिजली भी कड़कवाते हैं और अंध भक्त इसे सच मान लेते हैं। आप खुद सोचो कि जिस पर यौन शोषण का केस हो वो जेल से अचानक बाहर आके बाबा बन जाता है। क्या इन लोगों को बाबा बनने का हक है? तो कैसे इनके लाखों अनुयायियों होने लगे? कौन लोग इस पाखंडी बाबा का गुण गाता है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? 2-4 बाबा को जेल में बंद करो और 5-6 बाबा और आ जाते हैं। ये केवल एक ही केस नहीं है। आपके सामने कभी न कभी इस बाबा का रील्स जरूर आया होगा। इस बाबा का नाम अनिरुद्धाचार्य है। आइए इनके कुछ अद्भुत ज्ञान को सुनते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहां होता है? सूर्य उदय सबसे पहले हमारे भारत में भारत में हम आपको बता दें सबसे पहला सूर्य उदय कहां होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ। ये फंस गया। हां, इस तरफ आसान क्या कुछ है? उसके क्या है? मणिपुर क्या है? आपको बता दे कि सबसे पहले सूर्योदय जापान के माउंट हकुडो में होती है। बिस्कुट का मतलब क्या? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट, मींस बिस्किट। बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। इस हिसाब से बिस्लरी का पानी भी विस से भरी होनी चाहिए। आज जो आप लोग जीमेल का उपयोग करते हैं, इसका जीमेल जो दुनिया की परम आवश्यकता जीमेल है। आश्चर्य होगा, जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। क्या कुछ भी बकवास करते रहते हैं ये लोग। बाबा हूँ तो कुछ भी बोलूंगा, किसी को क्या ही पता चलेगा। साइंस को छोड़ो, बाबा जी के मैथ के ज्ञान पे प्रकाश डालते हैं। बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? -53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा, आप जोड़ना है घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। इसी तरह से बातों को घुमाकर तोड़ मरोड़ कर लोगों को भ्रमित करते हैं और अपने माया जाल में फंसा लेते हैं। यही सब देखने के बाद मन में सवाल उठता है, क्या पहले के बाबा भी इसी तरह के बाबा हुआ करते थे? आइए एक नजर डालते हैं सच्चे धर्म बाबा पर। इतिहास के पन्नों में सच्चे धर्म बाबा ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने समाज को सत और ज्ञान का मार्ग दिखाया। स्वामी विवेकानंद वह महान संत जिन्होंने दुनिया को भारतीय संस्कृति योग के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने हमेशा आत्मज्ञान और सेवा का संदेश दिया। कभी भी अपने अनुयायियों से भौतिक सुख की मांग नहीं की, बल्कि उन्हें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की दिशा में मार्गदर्शन किया। रामकृष्ण परमहंस ऐसे संत जिन्होंने भक्ति और ध्यान के माध्यम से परम सत्य की प्राप्ति की। उनके शिष्यों ने उनके जीवन से इंस्पिरेशन ली और समाज में प्रेम और करुणा का प्रसार किया। कभी भी अपने अनुयायियों को भय या अंधविश्वास के माध्यम से नहीं बांधा, बल्कि हमेशा उन्हें सच्चाई के मार्ग पर चलने का उद्देश्य दिया। कबीर दास ऐसे संत जिन्होंने समाज में फैला अंधविश्वास और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। कबीर ने अपने दोहे के माध्यम से समाज को जागरूक किया और
एकता और समानता का संदेश दिया। लेकिन आज जब हम धर्म के नाम पे फैले हुए समाज में भय और भ्रम को देखते हैं, तो हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि क्या हम सच्चे धर्म के मार्ग पर हैं या फेक बाबाओं के जाल में फंसे हुए हैं। आज के फेक बाबा, जिनका मुख्य उद्देश्य केवल लोगों को भ्रमित कर उनके विश्वास का शोषण करना है, ये बाबा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने आप को धार्मिक नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इनका असली उद्देश्य केवल पैसा और सत्ता है। महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं, एक सत्संग के लाखों में फीस चार्ज करते हैं, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, सोशल मीडिया पे मिलियंस में फॉलोअर होते हैं, जहाँ पे पाखंड दिखाकर अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाते हैं। आखिर कौन से सच्चे धर्म बाबा ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं? कौन से सच्चे धर्म बाबा के पास करोड़ों की संपत्ति होती है और उनके भक्तगण यहाँ पर कष्ट से पीड़ित होते हैं? ऐसे फेक बाबाओं से सावधान रहे, सतर्क रहे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार का गाही रहे, थोथा देई उड़ाए। एक सच्चा साधु अनाज को साफ करने वाले सूप की तरह होती है, जो मीनिंगलेस चीजों को समाज से अलग कर देता है और मीनिंगफुल चीजों को समाज में बांध कर रखता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट वीडियो में इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आप लोगों को बधाई भी, आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।